आज मैं आपको सिखाना चाहता हूं प्रियो, परमेश्वर का वचन जब आप स्वीकार करेंगे, परमेश्वर का वचन भले ही वो दुख में आपको लेके जा रहा है, आपको पीड़ा से होके गुजार रहा है, अगर आप उसे स्वीकार करते हैं तो परमेश्वर एक बड़ी महिमा आपके जीवन में खोलते हैं। और ये वचन अभी जस्ट प्रभु ने मेरे हृदय में रखा, जब मैं प्रार्थना में गया, जब मैं प्रार्थना कक्ष में गया, प्रभु ने एक वचन से मुझसे बात करी। आज शाम उसे मैं आपके बीच में लेके आया हूं प्रियो, जो पाया जाता है लूका उसका एक अध्याय, उसे उसके 26वें पद से और 38 पद तक। मैं चाहता हूं बहन इसे पढ़ें। छठवे महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। मैं उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबनी एलिशबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है, वह उसका जो बांझ कहलाती थी छठवा महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। हालेलुया। हम लोग क्रिसमस के सीजन में हैं प्रियो, और आज शाम भी मैं वचन आपके लिए लेके आया हूँ जो क्रिसमस से रिलेटेड होगा, पर परमेश्वर प्रत्येक जन से आज शाम में बात करेंगे। हमने अभी पढ़ा, वचन बताता है कि एक संदेशा एक कुआरी मरियम के पास पहुंचा, एक ऐसी स्त्री जो कुआरी थी, और एक स्वर्गदूत उसके पास एक संदेश को लेके आते हैं, और वो संदेश परमेश्वर की ओर से होता है। और वो संदेश जब उसके पास पहुंचता है तो परमेश्वर का कलाम कहता है, स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ, प्रभु तेरे साथ हैं। ऐसे ही वो पहले तो उसका भी नंदन करता, अभिवादन करता है, और उसे बताता है परमेश्वर की योजना को कि तू एक पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। बहुत सारी बातें आप सबने पढ़ा है और शायद बचपन से हम लोग सीखते आ रहे हैं, पर आज मैं जिस वचन पे बात करूंगा, जब मरियम ने उससे पूछा स्वर्गदूत ने कि मैं तो पुरुष को जानती नहीं, प्रभु का वचन बताता है, स्वर्गदूत ने कहा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। स्वर्गदूत उसे क्लियर करते हैं कि यह होगा कैसे। उसके बाद जब ये बात भी मरियम सुनती है, आगे लिखा है 38वें पद को
बहन मैं चाहता हूँ विशेष करके आप इसे बुलंद आवाज से पढ़िएगा। मरियम ने कहा, देख हाँ। मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। स्वर्गदूत उसे आकर सारी बातों को बता रहा है। स्वर्गदूत उससे आकर कह रहा है, तू भली कुआरी है, तू एक पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना, वो लोगों के पापों से उनका उद्धार करेगा। और कहता है कि पवित्र आत्मा के द्वारा ऐसा हो जाएगा। सारी बातें वो उसे बता रहा है। और उसके बाद मालूम है मरियम एक रिप्लाई उसको करती है और वो रिप्लाई ये है कि मुझे परमेश्वर के वचन के अनुसार हो। हालेलुया। आज मैं आपसे एक बात कहूं प्रियो, आप अगर मरियम के स्थान पर होते, आप यदि मरियम के स्थान पे होते तो आप कैसे रिएक्ट करते? देखिए एक बड़ी बात है, स्वर्गदूत संदेशा लेके कुआरी से कह रहा है, अभी उसका विवाह नहीं हुआ, अभी उसने किसी पुरुष को नहीं जाना, और उसके बाद स्वर्गदूत कह रहा है कि तू एक पुत्र जनेगी। सोच के देखिए, उसकी चिंता बढ़ जानी चाहिए थी कि ये अजीब सी बात है, ये होगा कैसे, और अगर होगा भी तो मेरे जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सोच के देखिए, उसे चिंता होगी क्योंकि उस समय का जो समाज था वो इसे अपराध की रीति पे देखता था। एक कुआरी अगर गर्भवती हो रही है तो उसको वो व्यभिचार की रीति पर देखा जाता और उसकी व्यवस्था थी कि उसे पथरवा करके मार दिया जाता। इतनी बड़ी बात जब उसे बोली गई, उसके बावजूद भी वो शांत होकर सुनती है और मालूम है एक रिप्लाई करती है और कहती है, मुझे परमेश्वर के वचन के अनुसार हो। जब मैंने इस पद को आज शाम में पढ़ा प्रियो, मुझे एक बात ने हिला के रख दिया। एक ऐसी भविष्यवाणी जो इस स्त्री के लिए की जा रही है। आज पता है लोग भविष्यवाणियां सुनना पसंद करते हैं, वो वाली जिनसे उन्हें फायदा हो। कोई प्रॉफिट आए, कोई भविष्यवक्ता हो, कोई प्रभु का दास हो, वो भविष्यवाणी करे आत्मिक उन्नति की, वो भविष्यवाणी करे फाइनेंसिस की, वो भविष्यवाणी करे उनकी बीमारी से चंगाई की, तो लोग बहुत आनंदित होते हैं, बहुत खुश होते हैं और परमेश्वर के उस वचन को ग्रहण करते हैं। हालेलुया। पर आप इस स्त्री की पोजीशन को देखिए, किस स्थिति में यह है, और उसके बाद ये अपने मुख से कह रही है, प्रभु मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। बहुत बड़ा दिल चाहिए, बहुत बोल्डनेस चाहिए इस बात को कहने के लिए कि परमेश्वर मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। हम कह देते हैं परमेश्वर के सामने, हम कह देते हैं जब वचन हमारे लिए अच्छी बातें कहता है, जब प्रोफेसी अच्छी होती है, तब हम कह सकते हैं कि प्रभु मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। पर ये जो भविष्यवाणी हो रही है, इसमें तो समाज उसे बहिष्कृत कर देगा, समाज उसे ठुकरा देगा। उसके बावजूद भी मरियम कह रही है, परमेश्वर मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। हालेलुया। आज मैं आपको सिखाना चाहता हूं प्रियो, परमेश्वर के वचन के अनुसार। क्यों परमेश्वर ने मरियम को इतना महान किया मालूम है? क्यों? क्योंकि उसने इस बात को स्वीकार किया कि मेरी इच्छा नहीं परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। जैसा उसने मेरे लिए सोचा वो सर्वोत्तम हो, वो मेरे लिए उससे बढ़कर और कुछ हो ही नहीं सकता। अगर परमेश्वर ये चाहते हैं कि मैं सामाजिक दुख उठाऊं, अगर परमेश्वर ये चाहते हैं कि मैं इस पीड़ा से होकर गुजरूं, तो ये मेरे लिए भला है। हालेलुया। इसलिए वो कहने पाई कि प्रभु मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। आज अगर मैं आज आपसे हाथ उठवाऊं और बड़े बड़े दास आके आपके लिए प्रोफेसी करें कि आपके साथ ऐसी दुर्घटना होने वाली है, आपके साथ ये चीजें घटेंगी, आप पता है तुरंत एक बात अपने मन में कहेंगे और वो ये है, प्रभु ऐसा कभी ना हो। हालेलुया। ऐसा ही है ना, प्रभु ऐसा कभी ना घटे। पर ये परमेश्वर की दासी ये इस बात को स्वीकार करे, प्रभु मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। जैसा वचन तूने कह दिया परमेश्वर, वैसा ही मैं चाहती हूं मेरे लिए हो। आज मैं आपको सिखाना चाहता हूं प्रियो, परमेश्वर का वचन जब आप स्वीकार करेंगे,
परमेश्वर का वचन भले ही वो दुख में आपको लेके जा रहा है, आपको पीड़ा से होके गुजार रहा है, अगर आप उसे स्वीकार करते हैं तो परमेश्वर एक बड़ी महिमा आपके जीवन में खोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज शाम पता है जितने लोग परमेश्वर की आज्ञाकारिता में रहे, जितनों ने परमेश्वर की इस विल को जाना, उनका नाम परमेश्वर ने ऊंचा किया, परमेश्वर ने उनके जीवन में बहुत आयत से बरकत दी। प्रभु यीशु के जीवन को देखिए प्रियो, आरंभ से प्रभु को पता था, आरंभ से प्रभु यीशु मसीह इस बात को जानते थे कि वो दुख सहेंगे, वो पीड़ा से जाएंगे, लोग उनका तमाशा बनाएंगे, लोग उन्हें मारेंगे, लोग उनके गालों को नोचेंगे, लोग कोड़े मारेंगे, लोग बुरा भला कहेंगे, उनकी निंदा करेंगे, उनका ठट्टा उड़ाएंगे। उसके बाद भी प्रभु यीशु ये सारी बातें जानने के बाद गतसमनी के बगीचे में प्रार्थना करके कहते हैं, प्रभु मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया, कितनी बड़ी बात है, प्रभु स्वीकार कर रहे हैं। आप सोचिए शायद मरियम ने इस बात की कल्पना नहीं करी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को सब बातें पता थी कि किस पीड़ा से वो जाएंगे, किस दुख से वो गुजरेंगे, कितनी तकलीफ उनको होगी, कैसे उनका लहू बहाया जाएगा, कैसे उनको कोड़े मारे जाएंगे। हर एक बात वो जानते हुए भी कहते हैं, प्रभु मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। अगर तूने ये ठहराया है कि तेरे लोग तेरी संतानें ऐसे ही उद्धार पाएं तो यही सही। हालेलुया, जो उसे लेके आई संसार में उसने प्रभु के वचन की अधीनता में अपना समर्पण किया, और जो इस संसार में आया उसने भी परमेश्वर के वचन में समर्पण किया। हालेलुया, आज प्रभु चाहते हैं हम भी परमेश्वर के वचन में अपने आप को समर्पित कर दें, उसकी जो भी इच्छा हो, चाहे वो मुझे दुख से लेके गुजारे, चाहे वो मुझे तकलीफ से जाने दे, पर परमेश्वर से ये कहना सीखे आज से कि प्रभु मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, परमेश्वर मुझे तेरे वचन जो कलाम मुझसे कह रहा है वैसे ही मेरे लिए हो। इसलिए बाइबल बताती है, पहला पत्रस उसके 4 अध्याय में उसके 13 और 14 पद को पढ़िएगा। पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो। परमेश्वर का कलाम कह रहा है, यदि मसीह के नाम के निमित्त तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, तो तुम धन्य हो, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है प्रियो, यदि ऐसा हो रहा है मसीह के नाम के कारण, समाज तुम्हें बहिष्कृत कर रहा है, समाज तुम्हें स्वीकार नहीं कर रहा, तुम्हारे अपने लोग तुम्हें स्वीकार नहीं कर रहे, तुम्हारा परिवार तुम्हें स्वीकार नहीं कर रहा, और इस कारण तुम्हारी निंदा हो रही, क्योंकि तुमने मसीह के नाम को अर्थात मसीह के वचन को अपने हृदय में जगह दी है, तो प्रभु कह रहा है तुम धन्य हो। आगे, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। हालेलुया, जैसे ही मरियम ने इस वचन को सुना और उसने ग्रहण किया परमेश्वर की प्रतिज्ञा कि पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा और तू सामर्थ पाएगी, हालेलुया, वो वचन उसके लिए पूरा हो गया और पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए। जैसे ही हम इस बात को घोषित कर देते हैं, जैसे ही हम इसे स्वीकार करते हैं कि कोई बात नहीं, अगर परमेश्वर के वचन के कारण मुझ पे दुख आ रहा है, आज समाज मुझे निरादर करेगा, समाज मुझे ग्रहण नहीं करेगा, मेरे लोग मुझे ग्रहण नहीं करेंगे, तो भी मैं मसीह के कारण, मैं मसीह के नाम के कारण निंदित होने को स्वीकार करूं, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है तो तुम धन्य हो। परमेश्वर की दृष्टि में हम धन्य हो जाते हैं प्रियो। आज हो सकता है बहुत सारे जीवन जो प्रभु यीशु मसीह के नाम को जानते हैं, बहुत सारे लोग जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए हैं, आज समाज उन्हें ग्रहण नहीं कर रहा, उनके परिवार उन्हें ग्रहण नहीं कर रहा, उन्हें स्वीकृति नहीं मिलती परिवारों में, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूं प्रियो आज शाम कि आप परमेश्वर के सामने धन्य लोग हैं, परमेश्वर आपको ऑनर देते हैं। परमेश्वर ने मरियम को ऑनर दिया जब उसने वचन को परमेश्वर के एज इट इज ग्रहण किया कि प्रभु कोई बात नहीं, मैं जानती हूं इससे मेरी निरादर होगा, लोग मुझे
निंदा की नजरों से देखेंगे, घृणित समझेंगे, कोई बात नहीं परमेश्वर, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। आज कह पाएंगे प्रियो, यदि आज कोई दास आपसे कह दे, आके ये भविष्यवाणी कर दे कि ऐसे दिनों में ऐसा समय आने वाला है कि अब आपके साथ ऐसा किया जाएगा, आप कह पाएंगे प्रभु मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। मैं चाहता हूं परमेश्वर कि हाँ ये हो जाए, क्योंकि तेरा वचन ऐसा कह रहा है मेरे लिए, मैं इसे भलाई में तब्दील होता हुआ देख लूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अय्यूब के जीवन में मालूम है एक ऐसा समय आ गया, परमेश्वर ने शैतान को अलाउ किया, परमेश्वर ने शैतान को अलाउ कर दिया कि तू जा और उसकी परीक्षा कर। और पता है उसके बाद अय्यूब क्या कहता है, जब उसकी पत्नी आके उसका निरादर करती है, जब उसके लोग आके निरादर करते हैं, वो कहता है तू क्यों मूल स्त्री की सी बातें करती है, जब परमेश्वर हमें सुख देता है क्या हम उससे दुख ना ले। वो कहता है परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। हालेलुया। आज परमेश्वर सिखा रहे हैं प्रियो, आपको ये अद्भुत बातें सिखा रहे हैं। अय्यूब ने परमेश्वर की इच्छा को अपनी इच्छा से, अपने परिवार की इच्छा से, अपने लोगों की इच्छा से बढ़कर जाना। जैसे मरियम ने ग्रहण किया परमेश्वर का वचन, वैसे ही अय्यूब ने ग्रहण किया। और पता है इसका उसे क्या ऑनर मिला, परमेश्वर ने उसको धन्य बना दिया, उसे महान कर दिया, दुगनी आशीषों से उसे लबरेज कर दिया। आज आपको सोचने की आवश्यकता है कि प्रभु मुझे तेरे वचन के अनुसार हो जाए। हाँ प्रभु पीड़ा से जा रहा हूं, दुख से जा रहा हूं, होने दीजिए परमेश्वर, लेकिन मुझे तेरे वचन के अनुसार हो जाए, ताकि मैं इस महिमा को जो तूने मेरे जीवन के लिए रखी है इस संसार में उत्पन्न कर सकूं। मरियम ने कहा हालेलुया, प्रभु मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, जैसी तेरी इच्छा, तू ये चाहता है कि मैं तेरे पुत्र को इस संसार में लेके आऊं, तो मैं ऐसा ही करूंगी। आज आपके लिए समय आ गया है प्रियो, आज आपको ये कहने की आवश्यकता है, प्रभु अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके पुत्र की महिमा इस संसार में करूं, आपकी महिमा को इस संसार में रखूं, तो परमेश्वर मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, चाहे इसके लिए मुझे कितना भी दुख से होके जाना पड़े, कितना भी सताव से होके जाना पड़े, परमेश्वर मैं आपकी महिमा को इस संसार में लेके आऊंगा। आज प्रभु आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्रियो, मालूम है मरियम चित्रण है कलीसिया का, चित्र है कलीसिया का। स्त्री जब भी संबोधित की जाती है एक कलीसिया की रीति पे संबोधित की जाती है। उस कलीसिया ने परमेश्वर की बात को माना, उसके वचन से कहा कि मैं तेरे वचन के अनुसार करना चाहती हूं। आज परमेश्वर एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी कलीसिया से कि उसके लोग इस बात को कहना सीखें कि हाँ परमेश्वर हमें तेरे वचन के अनुसार हो। प्रभु के दास ने दाऊद ने भजन में कहा मेरी नहीं परमेश्वर तेरी ही इच्छा पूरी हो। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं आज की शाम में इस बात को कहने के लिए कि प्रभु चाहे मुझे कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े, पर मैं तेरी महिमा को इस संसार में लेके आऊंगा या लेके आऊंगी। आज तैयार हैं, अगर परमेश्वर आपसे ये बात कह रहा है कि हाँ आप तैयार हो जाइए, क्योंकि वो समय आ रहा है, वो समय निकट आ चुका है प्रियो, जहां आपको कीमत अदा करनी पड़ेगी, जहां समाज में आप शायद घृणित ठहर जाएं, समाज आपको स्वीकार ना करे, लोग आपको स्वीकार ना करें, वो समय आ रहा है। परमेश्वर कहता है वो समय आ रहा है, वरन अब भी है, और ये समय आ चुका है जब आपके जीवन में ये समय पूरा होता हुआ आप देखने पाएंगे। इसलिए परमेश्वर आज शाम आपको तैयार करना चाहते हैं कि आप परमेश्वर के वचन को थामे रहें, इस वचन को अपने जीवन में थामे रहें जो आपसे कह रहा है कि परमेश्वर ऐसा चाहते हैं। प्रभु के मार्गों में बने रहो, प्रभु के साथ चलते रहो, दुख हो, तकलीफ हो, निंदा आए, परेशानियां आए, आनंद करना, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे साथ है, और ना सिर्फ साथ है वरन तुम्हारे ऊपर है, तुम पर छाया करता है। आज शाम मैं कहना चाहता हूं प्रियो, आज तैयार हो जाइए, आज अपना हृदय परमेश्वर के आगे समर्पित कर दीजिए, जैसे मरियम ने अपने आप को समर्पित कर दिया। ऐसे संदेश को सुनकर, ऐसे बातों को सुनकर स्वर्गदूतों की, उसने अपना समर्पण कर दिया।
कि परमेश्वर मैं बस तेरे वचन के अनुसार जीना चाहती हूँ। दुनिया मुझे समझे ना समझे प्रभु, मेरा पति मुझे समझे ना समझे, मेरे लोग मुझे समझे ना समझे, परमेश्वर हर एक बात में बस मैं चाहती हूँ कि तेरी महिमा मेरे जीवन में पूरी हो जाए, तेरी वचन मेरे जीवन में परमेश्वर पूरा हो जाए। आज आप तैयार रहिए प्रियो, क्योंकि परमेश्वर हर एक बेटे से हर एक बेटी से ये बात एक्सपेक्ट कर रहा है आज शाम में कि वो इस बात को कहना सीख ले, प्रभु मुझे तेरे वचन के अनुसार हो जाए। अच्छी बातों के लिए नहीं, अच्छी भविष्यवाणियों के नहीं प्रभु, की जब उत्तम उत्तम बातें मेरे लिए कही जाएं, उत्तम उत्तम शब्द प्रभु के दास मेरे लिए बोले, तब मैं आनंदित मनाऊं। और जैसे ही वो भयंकर बातें बोल दें, यदि वो दुख की बातें, वो पीड़ा की बातें बोले, तो मैं ये दुआ ना करूं कि परमेश्वर ना ना ऐसा ना हो परमेश्वर पिता, ऐसा कभी भी ना हो पिता, वरना हम ये कहना सीख सकें परमेश्वर आपकी मर्जी पूरी हो जाए, आपकी मर्जी पूरी हो जाए। मालूम है जिस घड़ी यीशु मसीह ने गत्सेमनी के बाग में ये प्रार्थना करी और ये कहा कि प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो जाए, पता है उसके एक इस सरेंडर से, इस समर्पण से आज मैं और आप उसकी इबादत का हिस्सा बन गए। अगर वो समर्पण नहीं करता तो आज मैं उद्धार पा नहीं सकता था। अगर वो परमेश्वर की विल में नहीं आते, अगर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा में नहीं आते, तो आज मैं और आप अनुद्धारित रह जाते, आज मैं और आप इस स्वाद को चख नहीं पाते जो उद्धार का है, जिसके लिए दुनिया परेशान हो रही है, जिसके लिए दुनिया इधर से उधर घूम रही है। उस परमेश्वर ने हमें सेंटमेंट दे दिया, हालेलुया, उस पिता ने सेंटमेंट दे दिया। मैं कल जब प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर के आत्मा ने मुझे घेर लिया, मुझे पकड़ लिया, और मैं बस एक ही बात कह रहा था, परमेश्वर इतना प्यार क्यों। मैं आराधना के दौरान इस गीत को गा रहा था और मेरे दिल ऐसे टूट रहा था कि परमेश्वर इतना प्यार क्यों। गीत है ना, मैंने पूछा प्रभु से तो क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैं थोड़ा सा गाना चाहता हूं जी पे, हालेलुया। मेरे साथ आप अपनी आंखों को बंद करिएगा प्रियो, मैं कंटिन्यू करूंगा। पूछा प्रभु से तो क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से तो क्यों करता मुझसे इतना प्यार। आत्मा से कहें, उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। मैंने पूछा प्रभु से तो क्यों करता मुझसे इतना प्यार। कई बार तुझे खुशी देना चाहा, गम के अलावा कुछ ना दिया। कई बार तुझे खुशी देनी चाहिए, गम के अलावा कुछ ना दिया। फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा, फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा। तो क्यों करता मुझसे इतना प्यार। धन्यवाद यीशु। प्रभु मैं आपसे पूछता हूं आज शाम में कि आप क्यों मुझसे इतना प्यार करते हैं, क्यों हमसे इतना प्यार करते हैं पिता। हम तो हर बार आपको गम देते हैं, हम आपको शोकित करते हैं पिता परमेश्वर, आप हर बार प्रभु हमारे गुनाहों को माफ कर देते हैं, क्यों आप हमसे इतना प्यार करते हैं पिता।
आशा मैं आपसे कहना चाहता हूं यीशु, परमेश्वर आज अपने लोगों पे जो आपने प्रेम डाला है, सच में आज चाहता हूं कि हमें मरियम के समानी कहना सिखा दीजिए प्रभु, कि यीशु तेरे वचन के अनुसार हो। यदि दुख आ रहा है, तकलीफ आ रही, परेशानियां, दिक्कतें आ रही है परमेश्वर, तो हम स्थिर रह के एक बात कह सके परमेश्वर की, हमें तेरे वचन के अनुसार हो जाए, हमें तेरे कलाम के अनुसार हो प्रभु। आज कहना चाहते हैं परमेश्वर आपसे, तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए, तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए, फिर भी न छोड़ा तूने, फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा, तो क्यों करता मुझसे इतना प्यार। आज प्रियो उससे कह दीजिए, परमेश्वर मैं तेरे वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करना चाहता हूं। आज शाम में प्रभु चाहता है कि उसकी संतानें अपना समर्पण कर दें, अपना समर्पण कर दें परमेश्वर के वचन के आगे। आज शाम प्रभु से कहिए प्रियो कि परमेश्वर हमें आपके वचन के अनुसार हो जाए। आपका वचन जो ये कहता है कि अंतिम दिनों में ऐसी विपत्तियां आने पर हैं, ऐसे भयंकर भयंकर अकाल पड़ने पर हैं, ऐसे भूकंप आने पर हैं, ऐसी महामारियां आने पर हैं, प्रभु आपका वचन ये सब बताता है। प्रियो आज शाम तैयार रहें इसके वचन को ग्रहण करने के लिए, क्योंकि प्रभु कहता है ऐसा होगा, और जब ऐसा होगा तो एक आनंद प्रभु देना चाहता है कि मैं लौट के आऊंगा, मैं लौट के आऊंगा और तुम्हें अपने सात बादलों पर ले जाऊंगा। आशाम प्रभु की इच्छा में अपना समर्पण करना सीख लीजिए प्रियो, आशाम अपना समर्पण कीजिए परमेश्वर के वचन के आगे। मरियम ने किया, अय्यूब ने किया, यीशु नासरी स्वयं ने किया, और वही परमेश्वर आज आपको और मुझे सिखा रहे हैं। कोई मनुष्य परिपूर्ण नहीं है, कोई भी परिपक्व नहीं है, पर परमेश्वर हर एक को सिखाते आशाम कि हम अपना समर्पण करना सीख लें, आशाम में अपना समर्पण करना सीख लें परमेश्वर के वचन के आगे। प्रियो आज शाम का वचन प्रभु डायरेक्टली आपसे बात कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा डायरेक्टली आपसे बात कर रहा है, आपको तोड़ रहा है अंदर से। मैं विश्वास करता हूं प्रत्येक जन जो यहां पे है, आज शाम परमेश्वर का आत्मा उसको तोड़ रहा है इन बातों के लिए जहां उसने समर्पण नहीं किया, जहां उसने समर्पण नहीं किया। आज परमेश्वर चाहते हैं आप समर्पण कर दीजिए, समर्पण कर दीजिए अपना, कह दीजिए परमेश्वर मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, आज शाम जब मैं यहां से जाऊं तो तेरे वचन के अनुसार चलने पाऊं प्रभु, आज शाम जब इस स्थान से चला जाऊं या चली जाऊं तो प्रभु एक बात मेरे हृदय में हमेशा रहे कि परमेश्वर मुझे तेरे वचन के अनुसार हो जाए। हाँ प्रभु आज कहना चाहते हैं। प्रियो आज कई बार आपके सामने ये चुनौतियां आएंगी, चुनौतियां आएंगी, निश्चय आएंगी, परमेश्वर कह रहे हैं आएंगी, और आपको सरेंडर करना होगा ये कहते हुए कि परमेश्वर मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। आज हो सकता है आप जिस कलीसिया के भाग हो वो आपको समझ ना रहे हो, वो आपको तिरस्कृत कर रहे हो, आज ऐसा देखने में आता है कि वो आपको स्वीकार नहीं कर रहे, वो आपको ग्रहण नहीं कर रहे, क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन को हां कहा है, आपने ये ग्रहण कर लिया है कि परमेश्वर मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। वो आपको नहीं समझेंगे, वो कभी नहीं समझेंगे,
लेकिन परमेश्वर आपको धन्य कहता है। आज शाम प्रभु आपको धन्य कहता है और परमेश्वर कहता है मैं तेरी महिमा को बढ़ाऊंगा। समर्पण करो परमेश्वर के वचन के आगे। हालेलुया। आइए प्रियो हम प्रार्थना करेंगे। पिता आशाम तेरे लोगों के सामने मैंने तेरे इस वचन को रखा प्रभु, जो आज हमें कह रहा है कि ये समय आ चुका है कि हम अपना समर्पण कर दें तेरे वचन के आगे। जो भी घट रहा है दुनिया में, जो भी घटेगा संसार में, परमेश्वर एक बात निश्चय है कि तू आएगा और अपने लोगों को लेके जाएगा। आपकी वायदा है परमेश्वर, आपने कहा है प्रभु ये तैयारी का समय है। प्रभु ये समय आ गया है परमेश्वर, हम अपने आप को तैयार कर लें आपकी आमद के लिए, क्योंकि संसार में वो सारे चिन्ह पूरे हो रहे हैं पिता जो आपने अपने वचन में बोले हैं प्रभु। और आज हम समर्पण करते हैं, कहते हैं परमेश्वर हमें तेरे वचन के अनुसार हो, हमें तेरे कलाम के अनुसार हो पिता। आज शाम हम अपना सब कुछ आपके हाथों में देते हैं, जैसे मरियम ने कह दिया प्रभु और आपने उसके नाम को ऊंचा कर दिया, आपने उसे महिमावंत कर दिया परमेश्वर। आज हम भी कहते हैं पिता कि हमें तेरे वचन के अनुसार हो पिता, अस तेरे वचन में बढ़ना चाहते हैं, तेरे कलाम में से धोना चाहते हैं प्रभु। इस समय प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, मैं विशेष करके सिस्टर मंजू के लिए प्रभु, पिता आप उन्हें चंगा करें, उनके बीमारी के बिस्तर को उलट दीजिए पिता। प्रभु जो भी हेमरेज हुआ है, जो भी क्लॉटिंग है, वो सब रिमूव हो यीशु आपके नाम में। आज शाम में हम सब मिलकर ये प्रार्थना कर रहे हैं पिता। हाँ प्रभु, मैं उस बेटी के लिए भी प्रार्थना करता परमेश्वर जिसे डायग्नोस हुआ सी है। प्रभु मैं चाहता हूं पिता परमेश्वर कि इस समय जब बहन बड़े विश्वास के साथ इस स्थान पे मौजूद है और अपने प्रार्थना को लेके आई है प्रभु, मैं चाहता पिता कि आप स्वीकार करें, रिमूव करें परमेश्वर उस गांठ को, रिमूव करें यीशु, सुखा दीजिए हर एक गांठ को परमेश्वर, सुखा दीजिए यीशु। आपके लहू को अप्लाई करता परमेश्वर और प्रार्थना करता एक बड़ा मिरेकल हम आत्मा में देखने पाए प्रभु, हम एक बड़े गवाही के वारिस बन जाए यीशु। आज शाम हम इस झुंड को भी आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, चाहते हैं अनुग्रह करें, दया करें परमेश्वर, लोग समर्पित जीवन जीना आरंभ करें परमेश्वर, समर्पित हो जाए आपके आगे। यीशु मैं सब कुछ आपके हाथों में देता हूं, प्रार्थना को प्रभु आप ही के नाम में होकर पिता से मांगता हूं, आमेन।